रे हम सदके तुम्हारे। चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बात की क्या जरूरत थी कि निकाह आ जाओ? इस बात की जरूरत पेश आ गई थी, कमीनी ने उनके सामने आकर तमाशा लगा दिया था। वो तो लड़के को उससे जरा उनस हो गया, वरना कौन गैरतमंद ऐसी लड़की से शादी करता है जब मेहमानों के सामने आके अपने इश्क की कहानी सुना रही हो। कहानी सुना रही थी? ना पूछो, दिल खराब हो जाएगा आपका। दिल तो मेरा वैसे ही खराब हो गया है, बस दुआ करो कि जल्दी से इसका निकाह हो और ये अपने घर जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह। बैठे बिठाए थानेदार के बेटे का रिश्ता आ गया तो मतलब अल्लाह की मर्जी भी शामिल है। कितने बजे आ रहे हो लोग? 12 बजे से पहले पहले। आप जाकर मौलवी साहब से बात कर लो, वो कहीं सो ना जाए। उठ के बैठ क्यों गए हो? निकाह कैसे होगा रिशिदा? हाँ कौन कराएगा उसे? आप जाकर मौलवी साहब से मिलो, उनसे हाँ कराओ। बाकी जब वो ना करेगी तो हल है मेरे पास। जोर जबरदस्ती सख्ती ठीक नहीं है उस वक्त। आप जाओ ना, वापस आओगे तो हाँ कराने का तरीका भी बताऊंगी। मैं फिर से कहती हूँ शानू, मुझे जाने दे, अपनी अब्बा जी से बात करने दे। आज निकाह है मेरा और तू मुझे छोड़कर चली जाएगी? जरा सोच, निकाह किसके साथ होगा? तू देख सर, मेरा निकाह होता किसके साथ है? याद रखना शानू, उसके साथ पुलिस के सिपाही होते हैं। मामा जी को दिखावे का बड़ा शौक है, हर किसी को डराने के लिए मुलाजिम साथ रखते हैं। 4 पुलिस वालों से ना डरा मुझे। सुना है इश्क सारे पुलिस वालों का आईजी है। इत्तला तो मिल गई होगी तुझे? जी अम्मी जी, मिल गई। कहा सुना, माफ कर देना मुझे, समझना अल्लाह की यही मर्जी थी। अल्लाह की यही मर्जी तो हम तो यहाँ पास बैठी क्या कर रही हो? मेरा ढोलकी का पता करो, बजाओ, कुछ शुगल मेला तो लगाओ। जी लाती हूँ ढोलकी, तैयार तो हूँ। मुझे क्या खबर थी निकाह आज ही होगा और तू मान भी जाएगी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे ऐन निकाह के वक्त ही आ जाए कमीना। इंशाल्लाह। चल बैठ और जा, जाते हुए आराम से जाना और आते हुए तेज, और याद रखना सीधा मास्टर शरीफ की तरफ जाना। मुझे रास्ता याद है। अल्लाह हाफिज़। मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। वजह? हुक्म है कि जिस काम को करते हुए शर्म आए वो ना करो। निकाह पढ़ाने में कौन सी शर्म मौलवी साहब? नासिक है वो निकाह जिसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। आपको किसने कहा कि लड़की की मर्जी शामिल नहीं है? उसने हाँ किया तो मैं आया हूँ ना।
आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं मैं उसका इमाम हूँ। वो आ करेगी इंशाल्लाह। एक बार जाकर पूछ लो उससे, या मुझे इजाजत दो मैं जाकर पूछ लेता हूँ। वो मेरी बेटी है मौलवी साहब, उसे पूछना इजाजत लेना मेरी जिम्मेदारी है। बेटी को कुरान पढ़ाने वाले की अपनी जिम्मेदारियां हैं जनाब, मुझे उसका ख्याल रखना है। देखिए मौलवी साहब, आपने अगर निकाह नहीं पढ़ाया ना तो इस बात की बहुत चर्चा होगी। मस्जिद को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले घरों में से एक घर मेरा भी है, मैं मस्जिद की कमेटी का मेंबर भी हूँ। आप सिर्फ मेंबर हो ठेकेदार साहब, और मैं उसकी मेहरबानी से मेंबर पर खड़ा होता हूँ, मेरी जवाबदेही बड़ी सख्त है। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आप इनकार क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहा हूँ? वो आपसे मिलता मिलाता है ना, तवीज दुआ भी करवाता होगा, और मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जरूरत पड़ने पर वो आपके उजरे में रात भी गुजार देता है। बड़ा बीबा है वो लड़का, अदब हया वाला, सच्चा उंस है उसको, बड़ी सच्ची लगन है उसकी, दुआ करा लेता है, तावीज कभी नहीं कराया। उस पर मेहरबानी करो, वो बहुत खुश रखेगा उसे। तो आपका मतलब है कि मैं ढिलम वाली मस्जिद के मौलवी से बात करूं? यही मुनासिब है। इस बात पर भी सख्त जवाबदेही होगी मौलवी साहब, याद रखना। खुदा सबको अपने हिफ्ज और मान में रखे। सलाम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कितने बजे तक आएगा वो? पता नहीं कितने बजे आए, लेकिन आएगा जरूर। 11 बजे से पहले आना उसका बहुत जरूरी है। क्यों? शानू का निकाह होने वाला है किसी और से। किससे? वो मेरा कजन है ना मुश्ताक, उससे। कौन है शरीफ साहब? ये अपनी हुमैरा है बल्कीस। अब बेटा तुम फौरन शानू के घर जाओ, अब मैं उसे अड्डे में मिलता हूँ। जी मास्टर साहब, मैं जाती हूँ। मौलवी सनाउल्लाह ने मना कर दिया, कहता वो ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। फिर इलम वाले मौलवी के पास भी गया था, उसको भी लगता किसी ने मना कर दिया, कहता है कि बलगन वालों की जिम्मेदारी मौलवी सनाउल्लाह की। शर्म वाली बात है, अब क्या होगा? मैं पाजी के घर जाकर उनको फोन करता हूँ, कहता हूँ कि अपना मौलवी साथ लेकर आए। ना, ये ना करना, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मौलवी ना आया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी? टेलीफोन नंबर दे। ये ऊपर वाला थाने का और नीचे वाला घर का। hmm.
मुंह से चादर ना हटाना। सलाम पाजी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ढोलकी बज रही है। सलाम चाची। सलाम पाजी। वालेकुम सलाम भाई। और मेहमान कितने बजे आएंगे भाई? वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, अंदर आ जाओ, बहुत ठंड है बाहर। और कहीं खाने शाने का भी इंतजाम किया है? भाई गोश्त की देख बनाई है। साथ में क्या है इसके? पुलाव है। तैयार है? तैयार है। और जाओ फयाज, दोनों चीजें जरा मुझे चेक तो करा। आ बैठ। देख मोहम्मद अमीन, मेरी बात का बुरा ना मनाना, मैंने इम्तियाज और फयाज को कह दिया है 10 दिन के लिए गांव से चले जाएं। मैं तो वैसे भी कल जा रहा था चाचा जी, मेरी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। वजह क्या भाई? वजह साफ जाहिर है, आज निकाह होगा, कल उसे खबर मिल जाएगी। और बदतमीज सा लड़का है, पता नहीं आकर क्या तमाशा करे। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मैं हूं ना तेरे साथ, गोली मारेगा सामने आकर खाऊंगा। पर मोहम्मद अमीन, इस उम्र में पुत्र मरते हुए नहीं देखे जाते। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। और लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है, निकाह करा कर जाएंगे दोनों। खुदा झूठ ना बुलवाए तो आज भी नजर टिकती है तुझ पर। लाहौर वालों का मामला तो खत्म हो गया ना हमेशा के लिए? कोई नहीं खत्म हुई है पापी, पुरानी बात है। नहीं, पहले तो आ जाते थे ना दोनों, कभी अब्दुल रहमान कभी इनायत। अब निकाह हो गया तो कौन चढ़ेगा बलकन की सड़क पर? अब्दुल रहमान तो कभी ना आया, लगता है कोई पुरानी बात याद आ गई है तुझे। नहीं, कोई बात याद नहीं आई। खलील से रिश्ता हो जाता तो अच्छा था, आना जाना तो लगा रहता। वैसे भी पुराने ताल्लुक को तोड़ना नहीं चाहिए। खैर, जो होना था हो गया। 11 बजे आ जाएंगे ना? जी। मान गई है वो? जी। पूछा शानो निकाह पे राजी है? जी राजी है। चलो शुक्र है। आ जाओ भाभी, ढोलकी वाले कमरे में बैठते। बात सुन रशीदा। चलो कर लो बात। ये तो तूने बताया नहीं कि वो हाँ कैसे करेगी। ये लो। ये क्या? हाँ कराने का तरीका। जब लगे कि वो इनकार कर देगी तो आप रस्सी गले में डाल के पंखे से लटक जाना। क्या? घबराओ ना, लटकना है मरना नहीं। लटकूंगा तो बचूंगा कैसे? मैं टांगों से पकड़ के रखूंगी आपको, फिर शोर मचा दूंगी। शोर मचेगा तो सब भागते हुए आ जाएंगे। वो तो पहले आएगी, फिर देखना क्या होगा। क्या होगा? चीखे मार के कहेगी अब्बा जी हाँ कर देती हूँ। ये काम तुम पहले नहीं कर सकती। कैसे? और उसको जाकर समझाओ कि अगर तुमने इनकार किया तो अब्बा जी फांसी ले लेंगे। पहले वो समझेगी डरा रहे हैं। हर काम मौके पे हो तो अच्छा लगता है। वो दीवार है बीच में,
बस छोटी सी है, बंदा एक फलांग में टप ले। फिर ये सीढ़ी है और उसके बाद हमारा सहन। ठीक, बस आप मोटरसाइकिल स्टार्ट रखना, बाकी एक मिनट का काम है। ढोलकी की आवाज कहां से आ रही है? करीब में कोई शादी होगी, मैं जरा छत पर देख के आता। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो कहीं दीवार टापते हुए ठेढ़ा ना लग जाए। नहीं लगता ठेढ़ा, बस 2 फीट की तो दीवार है, टप लेगी। चल अब तू कुछ सुना दे। नहीं, अब्बा जी और ताए जी बाहर बैठे हैं। कौशल जा दरवाजा बंद कर दे। चल हो गया दरवाजा बंद। इतनी अच्छी आवाज है तेरी, जाते हुए कुछ सुनाई कि नहीं? माही वे तेरे वेखन लही चुक चरखा गली दे विच डावा मलोका भाने तंद कत दी दंद तेरिया यादा दे मैं पावा माही वे तेरे वेखन ले चुक चरखा गली दे विच डावा। लाहौर वालों का तो मामला खत्म हो गया ना हमेशा के लिए, पहले तो आ जाते थे ना दोनों, कभी अब्दुल रहमान कभी इनायत, अब निकाह हो गया तो कौन चढ़ेगा बलकन की सड़क पर? अब्दुल रहमान तो कभी ना आया, लगता है कोई पुरानी बात याद आ गई है तुझे। आई कहां लेके जा रही हो? ऊपर वहीं तैयार होगी, मेकअप भी वहीं करेगी। तो यहां इस कमरे में कर लेना मेकअप। चल इसी कमरे में ले जा। खैर जा जा ऊपर ले जाए इसे, और जब मैं आवाज दूं तो आ जाना। सुन तुझे पता है ना आज निकाह है तेरा, कसम खा इनकार तो नहीं करेगी? आपकी कसम नहीं करूंगी इनकार। तुम्हें भी तूफान मचा के रखा हुआ था, आज खत्म हो जाएगा तूफान।
फयाज, शानू ऊपर चली गई? हुमैरा के साथ गई ऊपर। बात सुन, जरा बाहर जाके चेक तो कर, खलील तो नहीं आया हुआ? नहीं नहीं, बातचीत नहीं करनी, बस आकर रिपोर्ट देनी है। फटाफट ये कपड़े पहन और जाने के लिए तैयार हो जा। हाँ मैं कैसे जाऊंगी? मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ ना, तो जल्दी से कपड़े पहन और तैयार हो। फिर पिछली दीवार टापनी है तुझे, साथ वालों के घर बैठे। ये कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? जिस वक्त वो लोग आएंगे ना, उसी वक्त तुझे निकलना है। इतनी देर में अगर कोई आ भी जाएगा तो ये समझेगा तैयारी हो रही है। चल दरवाजा बंद कर, कर ना। बारात आ गई है। अब्बा जी, अब्बा जी, बारात आ गई है। तीन गाड़ियां हैं, दो पुलिस की भी हैं। ओ आ जाओ, आ जाओ, बारात आ गई है। अब्बा जी, पुलिस वाला भी अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा यार। ओ को पुलिस वाला अंदर नहीं जाएगा, नहीं खड़े रहो। आए जी, आप सब आए, बिस्मिल्ला। आ जी भाई साहब, आप भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, जीते रहो जीते रहो। हाँ जी, आइए आइए। आ गया, कैसे बप्पू? आए जी, अंदर चलो। आ जाओ, आ जाओ अंदर। मर्द रात अंदर हो, मर्दाना बैठक में आ जाए। आ जाओ जी। बीबियां इस तरफ आ जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ जी, आ जाओ जी। खुला है। तेरी मर जानी बारात आ गई है, तू क्या पहनेगी? मेरी फिक्र ना कर, तूने मोटरसाइकिल पर बैठकर 18 मील जाना, कुल्फी जम जाएगी तेरी। चल, मेरा मुंह ना देख,
दीवार टाप कर सीढ़ियां उतर जाना, सहन में पैर रखते बाहर निकल आएगा वो। चल चादर में मुंह छुपा ले और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। बेटा तू भी मुंह छुपा ले, कहीं जालिमों की नजर ना लग जाए। बिस्मिल्लाह और निकल। चाचा अमीन। खलील पुत्र, ये साथ कौन है तेरे? चाचा मैं हूं। शानू, किधर जा रहे? मैं लेकर जा रहा हूं इसे। अच्छा बेटा, भोपाल वाला तेज तेज पहुंच जाना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। रुखसाना अमीन, दुख्तर मोहम्मद अमीन जिंजुआ। रुखसाना अमीन बिनते मोहम्मद अमीन जिंजुआ। हाँ। कौन है? दरवाजा खोल, मैं हूँ रशीदा। खाला जी अभी ठहर के, 15 मिनट और लगेंगे। किस पे लगेंगे 15 मिनट? चल दरवाजा खोल, मुझे पता है वो नहीं है कमरे में। चल खोल दरवाजा। चली गई। चल अब तू भी जा, तेरा काम खत्म हो गया।
मर गए, वो मर गए। लड़की बाइक पे हो चाहे बस में, उतार के तराशी लो और टांगे भी रोको। मुझे इन दोनों को पकड़ के दो। लड़के का नाम है खलील और लड़की है रुखसाना। मैं पहुंच रहा हूं। लाहौर ले गया होगा। जाती है जाए। जिनके साथ रिश्ता तय किया है वो चूड़ियां नहीं पहनते ठेकेदार साहब। इस तरह नहीं जाने देंगे उसको। इंशाल्लाह रस्ते में पकड़ी जाएगी। ठेकेदार अमीन साहब, अबे आज आगे देखना कौन है। जी ठेकेदार अमीन साहब का घर यही है। हाँ जी। मैं भानोपिंडी से आया हूँ, अर्जेंट बात करनी है उनसे। भानोपिंडी से आया, अर्जेंट बात करनी है उससे। जी। पहचाना मुझे? मैं दर्जियों का बेटा हूँ। भानोपिंडी में आपके सोरों की पिछली गली है ना, लतीफ दर्जी। हाँ। मैं उनका बेटा हूँ तारिक। मार करो। वहीं पे है उनके निकाह का बंदोबस्त, आपके ससुराल में। किन का निकाह? शानू और खलील के निकाह का। आपको किसने बताया? उनके ही घर की खबर है। डॉक्टर मकसूद, उसकी अम्मी और खलील वहीं डेरा डालकर बैठे थे। खलील तो आज मोटरसाइकिल पर बलगन आया था शानू को लेने। ले गया? ले गया। बस जी मेरा काम खत्म। अब आपको जो करना है कर लो, वक्त बहुत थोड़ा है आपके पास। चल थानेदार को फोन करते हैं, वो उसको भानोपिंडी ले गया है। ये जिल्लत बेजी के कहने पे हो रही है। तुम्हारे